वीनस को जहाँ लग्जरी से जोड़ा जाता है एंटरटेनमेंट से जुड़ा जाता है म्यूजिक से यूट्यूब से जो लोग रील्स बनाते हैं बहुत अच्छी इनका शुक्र अच्छा होता है ऐसे लोग शौकीन मिजाज होते हैं इनको खाना पीना घूमना बहुत अच्छे कपड़े पहनना लग्जरी से रहना ऐसी मजा आती है मंगल को डेयरिंग का मालिक कहा जाता है हमारी जन्म कुंडली हमें बहुत सारी बातें बताती है हमारे कुंडली में नौ ग्रह होते हैं बारह राशियाँ होती है सत्ताविस नक्षत्र होते हैं हमारा जो कुंडली का दसवां घर होता है टेंथ हाउस इसको करियर का हाउस बोलते हैं हाई जोन एंड लो जोन फ्रिक्वेंसीज होती है हमारा समय चलता है दौड़ चलता है वक्त चलता है अब जिनको विदेश जाना है उनको सबसे पहले ट्वेल्थ हाउस को देखना है तीन छः आठ बारह हाउसेस के मालिक अगर इंटरचेंज करते हैं तो उसको विपरीत राज्य बोलते हैं वी आर वाई डीप जोन में हम जा रहे हैं कितने डिग्री का ग्रह है मतलब कितना बलशाली कितनी ताकत है मंगलिक है पर तीन डिग्री का तो मैं बोलता बिंदा शादी करो कुछ नहीं होगा उपाय उपाय कर लो सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल बी पे कैसे हो आप नमस्कार बहुत बढ़िया हूँ तो वैसे तो हमारी बात हो रही थी काफ़ी टाइम से बट फाइनली क्योंकि इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हो ना आप सेलिब्रिटीज़ के अलावा कहीं किसी नॉर्मल बंदे को ज्ञान नहीं दे सकते आप हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो? देते हो तो ज्ञान देते तो ठीक है ये आपकी ऑडियंस है तो पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं जानना अपनी जनता को बताना चाहता हूँ कि आज वो किसको सुनने जा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा अपने बारे में एक बार प्लीज बताओ नमस्कार मैं हूँ अभिषेक सोनी और मैं एस्ट्रोसग्गा का को फाउंडर हूँ और हम लोग एस्ट्रोलॉजी के लिए नई गाइडलाइंस और बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी का कैसे लाभ ले सकते हैं कैसे बेनिफिट हो सकता है और इसे हमें हमारी लाइफ में इस्तेमाल करके कितने फ़ायदे हो सकते हैं ठीक है और ऑडियंस को ना मैं भी ये बता दूँ सर से ना आधा घंटा पहले मैं डिस्कस कर रहा था मतलब सुपर नॉलेज है और जो मिथ क्रिएट कर रखा है ना लोगों ने सीरियसली आपने ना डायरेक्शन पे हमने बहुत बातें कर ली एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बातें कर ली बट जो चीजें आपने बताई है ना मुझे लगता है ये अभी तक का एक ना यूनिक एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट होगा जी बिल्कुल तो हम आजकल ना आप वैसे अगर कंटेंट देखते हो आजकल ना वीनस मार्स का बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है एंड स्पेशली उनको अगर मैं पूछूं वीनस और मार्स का क्या रिलेशन है देखिए वीनस और मार्स ये दो ग्रह हैं इसको बोलते हैं शुक्र और मंगल शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजी में हमारी जन्म कुंडली में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वीनस को जहाँ लग्जरी से जोड़ा जाता है एंटरटेनमेंट से जुड़ा जाता है म्यूजिक से यूट्यूब से जो लोग रील्स बनाते हैं बहुत अच्छी इनका शुक्र अच्छा होता है ऐसे लोग शौकीन मिजाज होते हैं इनको खाना पीना घूमना बहुत अच्छे कपड़े पहनना लग्जरी से रहना रहनासी मजा आती है मंगल को डेयरिंग का मालिक कहा जाता है मंगल एक मेल प्लानट है और शुक्र एक फीमेल प्लानट है जब इसका कॉम्बिनेशन होता है तो आदमी थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है इसके रिलेशनशिप हो जाएंगे लव अफेयर्स हो जाएंगे या आप इसको बोल सकते हैं हर मौला अपनी मस्ती में जी रहा है जो मर जाए कर लिए इसलिए शुक्र और मंगल का ज़्यादा ट्रेंड है हर आदमी चाहता है कि कहीं ना कहीं लग्जरी उसके जीवन में आए ओके okay. और मुझे इस पर भी थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए आपसे कि जैसे मून हमें देता है लाइक एजुकेशन ठीक है फाइनेंस फियर और कहते हैं वोटर भी देता है और मदर भी है ये जी तो मून को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करोगे देखिए चंद्रमा हमारी जन्म कुंडली में हमारे होरोस्कोप में सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह माना जाता है सबसे तेज घूमता है ये ढाई दिन में एक राशि छोड़ देता है पूरे महीने में बारह राशियों का चक्कर लगा के वापिस आ जाता है चंद्रमा को मून साइन जो हम बोलते हैं जैसे मेरी वृषभ राशि है आपकी मकर राशि अभी मैंने देखा था तो इन राशियों में चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है चंद्रमा जिसका अच्छा होता है ना वो बहुत इमोशनल होता है सबसे पहले वो इमोशनल होता है दूसरा वो सेंटिमेंटल व्यक्ति होता है लड़का रहे या लड़की रहे तीसरा वो बहुत चूजी होता है नेचर उसका बहुत अच्छा होता है मदर से उसके बहुत कनेक्शन अच्छे रहेंगे या मदर से उसका लगाव ज़्यादा होता है ऐसे लोग झूठ सुनना पसंद नहीं करते क्रिस्टल क्लियर इनका नेचर होता है और इनकी जो हॉबीज़ होती है उसमें कंटेंट मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी बोलना इंटीरियर डिज़ाइनिंग ये सब होती है आपने कई लड़कियों को देखा होगा बहुत सेंटिमेंटल रहती इमोशनल रहती तो इनका चंद्रमा स्ट्रांग होता है और ये लोग बहुत ही अलग टाइप से क्रिएटिव टाइप के रहते हैं तो जिनका मून अच्छा होता है इनको सफलता भी बहुत तेज़ी से मिलती है क्योंकि इनका दिमाग बहुत चलता है और ये नए नए आइडिया लाते हैं और यही आइडिया इनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो जाता है ओके okay. पता कब लगता है कि अब चंद्रमा हमारी राशि में आ चुका है चंद्रमा राशि में नहीं आता आपकी राशि में चंद्रमा कहाँ बैठा है वो देखना है कौन okay. से राशि का चंद्रमा है कौन से नक्षत्र का चंद्रमा है ये आपको तब पता चलेगा जब आप अपनी जन्म कुंडली को देखेंगे गौर करेंगे किसी एक्सपर्ट से राय लीजिए जिसकी पकड़ है जो आपको एक्सप्लेन कर सकता है कि तुम्हारा चंद्रमा तो यहाँ बैठा है आपने सुना होगा जब जन्म होता है तो अपन नाम रखते हैं तो ये मून साइन से रखा जाता है राशि के अक्षर होते हैं उस अक्षर को दिया जाता है और उसमें से वो नाम रखते हैं तो ये काफ़ी पुराना चलन चला आ रहा है लेकिन जिसका मून अच्छा है वो तो क्रिएटिव रहेगा कुछ भी कर देगा वो no उसको way. टाइम नहीं लगता वो स्पीड पकड़ लेता है ठीक है अच्छा वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का रिलेशन क्या है वास्तु अपनी जगह है एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह एस्ट्रोलॉजी मतलब आपका जन्म कुंडली आपका होरोस्कोप आपका बर्थ चार्ट अब आपका समय अगर अच्छा चल रहा है तो आपके चार घर बन जाएंगे आपका समय खराब है तो चार घर बिक भी सकते हैं वास्तु को सेकंड कैटेगरी में हम डालते हैं जब आपका समय अच्छा है तो आप एक अच्छे घर के अच्छे वास्तु में जाएंगे तो आपको और फ़ायदा होगा एनहांस हो जाएंगे आप कई बार आपने गौर किया होगा कि लोग इलेवेंथ आवर में वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते हैं आपने घर ले लिया आप शिफ्ट हो गए आपको प्रॉब्लम्स आना चालू हो गई छः महीने बाद आपने देखे यार अपन तो लंबे से उतर गए अब जाओ कंसल्टेंट को ढूंढते हैं लोग फिर रिसर्च करते हैं फिर राय लेते हैं ये इलेवेंथ आवर का केस है जब कराना ही है तो पहले ही चेक कर लो ना प्रॉब्लम तो आपको ही आनी है नुकसान तो आपका ही होना है अब करोड़ों रुपए के लोग फ्लैट ले रहे हैं बंगलो बना रहे हैं और उसमें आपको फिर लॉस भी उतना बड़ा होगा वास्तु में फाइव एलिमेंट्स का काम है पंच तत्व का कौन से डायरेक्शन में क्या चेंज होना चाहिए ये उसका एक बेस प्रिंसिपल है मान लीजिए साउथ ईस्ट को अग्निकोन कहा जाता है वहाँ पर कुआ आ गया तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाएगी कई प्रकार की घटनाएं हो जाएगी इंसिडेंट्स हो जाएंगे साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में पानी की जगह है कुएं की जगह है नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाया जाता है तो ऐसी एक प्रिंसिपल है फॉर्मेट बना हुआ है मान लीजिए अब आप वो फॉर्मेट के कितने नियर बाएँ अस्सी सत्तर परसेंट के ऊपर है तो आपके लिए अच्छा है फिफ्टी परसेंट के बिलो हैं कई घर बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं वहाँ बीमारियाँ लग जाती है करियर में ग्रोथ नहीं हो पाती ऐसे कई केसेस हमारे पास तो रोज़ ही क्वेश्चन आते हैं अब दो चीज़ें एक है मानने वाली कैटेगरी दूसरी नहीं मानने वाली अब आदमी मानता है कभी ये मैं आपको बताता हूँ जब उसको तकलीफ़ आती है जब तक उसका सब अच्छा चल रहा है ना वो वास्तु के पास जाएगा ना एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा जहाँ प्रॉब्लम चालू होती है वो ढूंढने लग जाता है कि अब मैं यहाँ से निकलूँ कैसे क्या सॉल्यूशन है क्या कुआ बंद करना है कौन सा टॉयलेट तोड़ना है इसमें ऐसे में पूछ लेता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को अपनी लाइफ में किस प्रकार यूज़ करें आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है कोई एक्सपर्ट से गाइडेंस लेना है कि हमारे सितारे बोल क्या रहे मान लो कोई बच्चा करियर को लेकर चिंतित है और उसके घरवाले बोल रहे कि तुम लॉयर बन जाओ अब उसका राहु खराब है वो लॉयर बन ही नहीं सकता बन जाएगा तो उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेंगी चल भी गई तो कल वो बोलेंगे यार मेरे को तो ये करना ही नहीं था वहीं दूसरी ओर उसका शुक्र बहुत अच्छा है वो फूड मैनेजमेंट में जा सकता है वो रेडियो जॉकी बन सकता है वो फीमेल गारमेंट में फैशन डिजाइनिंग कर सकता है ज्वेलरी डिज़ाइन कर सकता शुक्र है शुक्र इन सब चीज़ों का मालिक है तो जो ग्रह अच्छा है जो आपको दे रहा है वो फ्लो में आप चलो ना आपके अंदर जो क्वालिटी है आप उसी को एनहांस करेंगे ना तो चार्ट देख के ये पता चलता है इसके अलावा न्यूमरोलॉजी उसका एक पार्ट है वास्तु उसका एक पार्ट है मतलब ये सब उसके बाद की चीज़ें हैं पहले तो आप क्या कर रहे हो वो देखना ज़रूरी है बाद में सब आएगा न्यूमरोलॉजी अल्फ़ाबेट नंबर कलर जेम्स ये सब बाद की बातें तो चलो एस्ट्रोलॉजी से शुरू करते हैं बिल्कुल इसको पर्सनल लाइफ में बंदा किस तरीके से अपनी यूज़ कर सकता है एस्ट्रोलॉजी देखिए एस्ट्रोलॉजी करियर वाइज भी बताना लव वाइज भी, भी बताना रिलेशनशिप हाँ। भी बताना ये एक बहुत अच्छा गाइडेंस वाला काम है जैसे हम कहीं जाते हैं तो गूगल मैप को देख लेते हैं वैसे एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करता है एक रोड मैप बना के देता है कि भाई कब क्या करना है मान लीजिए किसी ने आपको बताया दो आपका ख़राब है क्या बड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे दो पाँच दस करोड़ रुपये लगाओगे नहीं प्रिकॉशन लोगे अपने आप को संभाल के रखोगे जो अच्छी चीज़ें वही करोगे इसको बोलते ट्रेंड्स के साथ चलना समय अच्छा है तो एस्ट्रोलॉजर बोलेगा सर तीन साल बहुत अच्छे हैं बड़े बड़े काम कर लो एक्सपांशन कर लो तो आपको एक गाइडलाइन मिल जाती करना तो आपको कभी भी है जब आप घर बनाते हैं तो इंटीरियर डिज़ाइनर क्या करता है आर्किटेक्ट क्या करता है आपके घर को एक बेहतरीन तरीके से गाइड करके बना के देता है बहुत अच्छा इंटीरियर कर देता है वैसे एस्ट्रोलॉजर आपको आपकी कुंडली से क्या अच्छा है क्या बुरा है किससे बचना है किसको बढ़ाना है ये बताता है अगर आप इसको मानते हैं समझते हैं तो आप खुद देखेंगे इतने सिंपल तरीके से रिजल्ट्स मिलते हैं कि आपको मेहनत ही नहीं करना है उतनी किस में सोल्यूशंस पे काम तो सभी को करना है इनपुट है तो आउटपुट है और इसमें कुंडली मिलान का कितना बड़ा रोल है देखिए पहले से ही ये कुंडली मिलान चला आ रहा है कि जब शादी होती थी तो कुंडली मिलाओ दोनों की कुंडली मैच हो रही कि नहीं कितने गुण मिल रहे हैं क्या हो रहा है ये सब बातें होती थी मेरा इसमें थोड़ा कम रुझान है मैं कुंडली मिलान तो ठीक है लोग पूछते हैं तो हम कर देते हैं लेकिन आप मेरे से पूछोगे तो मैं बोलता हूँ कुंडली मिलान ट्वेंटी परसेंट है बाकी चीज़ आप दोनों की चार्ट मिलाओ लड़के का नेचर कैसा है लड़की का नेचर कैसा है जब आप शादी करने जा रहे हो एक बहुत लंबा टनिवर आपको साथ में रहना है तो दो विपरीत बुद्धि के लोग कभी एक साथ नहीं रह सकते मान लो लड़की बहुत लेविश लग्जरी लाइफ वाली है शुक्र अच्छा है घूमना फिरना उसको और लड़का बहुत सिंपल है जिसका जुपीटर बहुत अच्छा है तो ये दोनों दो एंटी कैटेगरी होगी तो ऐसे लोग ही जमेंगी नहीं तो आप लाइक माइंडेड पीपल को साथ में चुनो जैसे आपको घूमना फिरना पसंद है आपके पार्टनर को है ही नहीं तो आप कहाँ अकेले चले जाओगे सोलो ट्रिप पर hmm. फिर विवाद होगा झगड़े होंगे प्रॉब्लम्स होगी रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है आप कंपेटिविलिटी पर ध्यान दो कि दोनों बंदे कितने नियर आर पाए हंड्रेड तो कोई नहीं होगा एटी प्लस कि भाई दोनों को खाना खाने का शौक है दोनों घूम रहे हैं दोनों लाइक माइंडेड है दोनों बिजनेस ओरिएंटेड है दोनों करियर ओरिएंटेड है प्रॉब्लम तब चालू होती जब दो विपरीत लोगों को ज़बरदस्ती एक रिश्ते में बांध दिया जाता पहले आपने देखा था घरवाले ही पक्की करके आ जाते थे पूछते वूछते नहीं तो बट डन हो गया इससे इसकी शादी होगी कुछ लोग निभा लेते थे कुछ लोग प्रॉब्लम्स में से निकल नहीं पाते थे आजकल रुझान बदल गया आजकल हर आदमी शादी को लेके लव रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है उसका कहना सब अच्छा चले या तो मिले ही ना या तो कोई आए ना और आए तो अच्छी चले तो यहाँ पे कंपेटिबिलिटी की आपने देखा होगा दो जोड़ी एक साइन मिलाते हैं कि इसका मून ऋषभ में इसका भी मून ऋषभ में तो जमती है दोनों के शुक्र मंगल है तो जमती है अगर विपरीत लोग एक साथ आ गए ना तो ये रिलेशन ज़्यादा चलेगा नहीं वो कहीं ना कहीं एग्जिट हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन के साथ ओके अगर मैं पूछू वीनस की क्या स्पेशलिटी है वीनस का मतलब होता तो है ग्लैमर लग्जरी लाइफ स्टाइल पेज थ्री घूमना फिरना शौक वाली चीज़ें करना चाहे आप गाना गा रहे हो चाहे आप खाना बना रहे हो चाहे आप पार्टी करने जा रहे हो ये सब शुक्र में आता है कई लोग देखना कि वो उनको पार्टी पसंद नहीं जिनका गुरु अच्छा होता है तो ऐसे विपरीत मानसिकता के भी लोग हैं और शुक्र वाले भी लोग हैं और आज की रेट में देखो डिवोर्स केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जी बिल्कुल उनके पीछे भी वास्तु का या एस्ट्रोलॉजी का रोल है एस्ट्रोलॉजी तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके सितारे क्या बोल रहे हैं आपकी दशा क्या चल रही है तो क्या होता है इसमें दो चीज़ें हैं सर एक कि जब आप शादी कर रहे हो तभी सब कुछ चेक कर लो पहले वेरीफाई कर लो कि हमारी कुंडली मिल रही है हमारी कंपेटेबिलिटी मिल रही है सब कुछ ओके है कि नहीं घाई घाई में लोग डिसीजन ले लेते हैं कई लोग फैमिली के प्रेशर में लेते हैं कई लोग बोलते हैं बस करना है तो मैंने कर लिया अब आपने कर ली जब आपने नहीं मिलाई होगी तो प्रॉब्लम आने की संभावना है दूसरी प्रॉब्लम जब आती है जब आपका समय खराब है मान लीजिए आपके चार महीने ख़राब है आज लोगों को पेशेंस नहीं है वो चौथे दिन ही डिसीजन लेने की बात कर लेते हैं मान लो आपका तीन महीना खराब है तो आप वेट करो थोड़ा सा शांत रहो टाइम स्पेंड करो कहीं घूमने चले जाओ लेकिन आप बोलोगे मैं तो शाम को ही फैसला कर रहा हूँ कल मेरा लॉयर आ रहा है परसों मेरी सब बात हो गई तो इसमें कोई सेंस नहीं है प्रॉब्लम आएगी सॉल्यूशन भी है इसलिए डिवोर्स के मामले बढ़ रहे हैं इसमें या तो आपको शांत रहकर टाइम पास करना है थोड़े दिन बाद सब चीज़ें न्यूट्रल और रूटीन में आ जाती हैं दूसरा जिनकी शादी नहीं हुई है वो पहले कंपेटिबिलिटी देख लो ज़बरदस्ती किसी से शादी करके ना अपना समय बर्बाद करो ना सामने वाले का दो परिवारों का मिलन हो रहा है वहाँ नहीं जम रही तो पहले ही मत करो पहले सब कर लेना और बाद में बोलना कि इसमें यह प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है तो इसमें कोई सेंस नहीं है नहीं। मेरी आपकी जमेगिरी में क्यों आपके साथ जाऊँगा पंद्रह दिन घूमने ट्यूनिंग की बात है फ्रिक्वेंसी की बात है वेव की बात है हमारे सितारे हमको गाइड कर रहे हैं हमारी एस्ट्रोलॉजी हमको हेल्प करती है ये बंदा कैसा है बंदी कैसी है समझ लो पहले क्लियर हो जाए पिक्चर आप प्रॉब्लम तभी आएगी दो डिफरेंट लोग एक साथ आएंगे तभी प्रॉब्लम आएगी हाँ okay. बोलोगे चार बजे मॉर्निंग वॉक पे जाना <coughs> मैं तो जाने से रहा <coughs> मैं सोता ही एक दो बजे रात को मैं तो उठूंगा नहीं हाँ बोलोगे शाम को वॉक कर लेते तो मैं बोलूँगा ठीक है सर बढ़िया है कंपेटिबलिटी की बात है यहाँ और अगर इसी में वॉइस ऑवरसा पूछूँ करियर को लेके क्या गाइडेंस है करियर को लेके ऐसा है सर हमारी जन्म कुंडली हमें बहुत सारी बातें बताती है हमारी कुंडली में नौ ग्रह होते हैं बारह राशियाँ होती है सत्ताविस नक्षत्र होते हैं हमारा जो कुंडली का दसवा घर होता है टेंथ हाउस इसको करियर का हाउस बोलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस होता है इससे आदमी कुंडली देख के पता लग जाता है कि आदमी क्या करेगा करियर में चाहे बच्चों की बात करें आगे चल के कोई बिजनेस में प्रोफेशन में आप इसको थोड़ा सा कर सकते कौन से टेंथ हाउस में मान लो मैं एक दो तीन एग्जांपल देके समझाता हूँ चंद्रमा ऐसे आदमी ने क्रिएटिव लाइन में जाना चाहिए अब हर हर ग्रह के पचास पचास आपको काम मिल जाएंगे इंटीरियर डिज़ाइनर आप बन सकते हो आप बहुत अच्छा एनिमेशन कर सकते हो आप बहुत अच्छा यूट्यूबर बन सकते हो म्यूज़िक में जा सकते हो क्रिएटिव फील्ड एडवर्टाइजिंग एजेंसी एनीथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी आर्ट्स हो गए ड्राॅइंग्स हो गई एनिमेशन हो गया जो भी आज ट्रेंड में चल रहा है चंद्रमा वाला वो करता है जैसे ज्वेलरी डिज़ाइन भी उसमें आएगी कपड़ों की डिज़ाइन भी आएगी कार की डिज़ाइन भी आएगी उसके अंदर इतनी क्रिएटिविटी भरी रहती है वो उसका इस्तेमाल करे मान लो किसी का राहु दसवें घर में ऐसा आदमी मीडिया में जा सकता है जर्नलिज्म में जा सकता है उसके बाद में आप कंटेंट राइटर बन सकते हो आप लॉयर बन सकते हो लॉ में भी आपके साइबर लॉ अलग है कंपनी लॉ अलग है दस प्रकार की चीज़ें अवेलेबल है ऐसा आदमी पॉलिटिक्स में जा सकता है ऐसा आदमी पी बन सकता है ऐसा आदमी इंटरनेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आईटी में भी बहुत तरक्की करेगा hmm. वहीं मान लो दसवें घर में आपका बुध है ऐसा व्यक्ति चार्टेड अकाउंटेंट बन सकता है बहुत अच्छा फाइनेंस में बैंकिंग में इंश्योरेंस में शेयर मार्केट में और जो भी चीज़ फाइनेंस से आप जोड़ सकते हैं कि भाई मैं होम लोन में हूँ या मैं वेंचर फंडिंग में हूँ या मैं एंजल इन्वेस्टर हूँ ये सब बुद्ध की hmm. कैटेगरीज हैं अब दूसरी बात मान लीजिए कोई व्यक्ति का मंगल खराब है नीच का है जिसे खराब मंगल बोलते हैं और ऐसा आदमी जाके लैंड बिजनेस में जा रहा है प्रॉपर्टी बिल्डर बनना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल केमिकल का काम बैटरी का काम का 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 फ्लेमेबल आइटम का काम का करेगा उसका ग्रह इतना ख़राब है कि उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा तब जाके उसको थर्टी परसेंट का रिजल्ट मिलेगा क्योंकि वो अगेंस्ट द फ्लो जा रहा है कोई भी व्यक्ति अपने कुंडली को नहीं बदल सकता आप भी नहीं मैं भी नहीं कोई रबर थोड़ी मिटा दिए ग्रह को दूसरे घर में लिख दिया ऐसा नहीं होता चार्ट फिक्सड है उसके हिसाब से अपनी वे ऑफ वर्किंग बदल लो ना जो अच्छा है उसको एनकेश कर लो जो ख़राब है उससे बच जाओ थेरी बहुत सिंपल है इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिए लोगों ने ना ना मुझे हाँ, भी ऐसे ही लगता है हाँ थेरी बहुत सिंपल है सिंपल <coughs> फंडा जो फ्लो है उसमें चलो <coughs> आप डायग्राम के हिसाब से चलोगे ना आपको फुर्सत नहीं रहेगी जो लोग बहुत पिक पे जाते हैं ना करियर पे कहीं ना कहीं बाई डिफॉल्ट वो जाने अनजाने में वो काम कर लेते जो उनके कुंडली में हाइएस्ट प्लानट है जैसा कोई प्रवक्ता है सर तो उसका बुध अच्छा होगा तभी तो बोलेगा ना कोई भी पार्टी के प्रवक्ता को आप देख लो Hmm. कितना अच्छा बोलते हो तो उनका मर्क्यूरी अच्छा होता है उनकी वाणी स्थान अच्छा होता है उनका कम्युनिकेशन अच्छा है क्या किसी को प्रवक्ता बनाएंगे जिसको बोलना नहीं आता है जो बोल के ही अपने संबंध खराब कर ले ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे नहीं बिल्कुल भी नहीं पी कस्टमर केयर में किसको रखा जाता है जो बहुत हम्बल होता है जो पब्लिक से जुड़ जाता है कोई क्रोधी आदमी को बैठा ले तो काउंटर पे वो पूरा कस्टमर खराब करना चालू कर देगा पहले दिन से शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी क्योंकि वो उस फील्ड के उस प्रोडक्ट के लायक नहीं है हमारा पूरा जो बेस है वो ये है आप क्या कर सकते हो आप वही करो हर आदमी एक फील्ड में मास्टर है वो कौन सी फील्ड है वो आपकी कुंडली बता देगी ज़बरदस्ती अपना टाइम वेस्ट करना लाइफ तो कभी लौट के आएगी नहीं महादशाएं दशाएं सब चल रही है जो सबसे बेहतरीन चीज़ है और जो हमारे अंदर फील आता है हमारी हॉबी होती है वो हमें करना चाहिए किसी को स्पोर्ट्स खेलना है तो वो कर लो किसी को कंटेंट बनाना है तो वो बना लो किसी को टूरिज्म करना है तो कर लो पर वो अंदर से निकलता है, है। ट्वेल्थ हाउस क्या कहता है ट्वेल्थ ट्वेल हाउस तो खर्चे का भी होता है ट्वेल्थ हाउस एक्सपेंसेज का भी होता है ट्वेल्थ हाउस को अस्पताल से भी जोड़ा जाता है ट्वेल्थ हाउस को जेल से भी जोड़ा जाता है कई लोगों को सज़ा हो जाती है जेल चले जाते हैं तो हमने काफ़ी रिसर्च और स्टडी किया कि इनके ट्वेल्थ हाउस में ग्रह ख़राब है कोई हॉस्पिटल में हो जाता है कई लोगों का ट्वेल्थ हाउस में अच्छा प्लानिट है तो ये लोग विदेश चले जाते हैं फॉरन सेटलमेंट हो जाता है विदेशों से कमाई हो रही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी विदेश से कमाई का काम है आप आईटी का बच्चा यहाँ बैठा सिंगापुर की कंपनी से काम कर रहा तो वो फॉरेन से ही कनेक्टेड है तो इसकी वैराइटीज़ है आज टेक्नोलॉजी आ गया इंटरनेट आ गया मैं अगर यहाँ से ऑनलाइन सेशन ले रहा हूँ यू में दुबई में बे एरिया में यू में तो मैं टेक्नोलॉजी से ही काम कर रहा हूँ तो मेरा बार बार अच्छा होना चाहिए तो मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ विदेश की या विदेश में रहने वाले लोगों की उसका डेफिनेशन है तो जिनका ट्वेल्थ हाउस अच्छा है वो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एनीथिंग रिलेटेड टू फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत फायदा होता है बहुत लाभ होता है उनको कई लोग तो माइग्रेट हो जाते हैं कई लोग आते जाते रहते हैं और थोड़ा ग्रह कमजोर रहा तो यहाँ बैठ के वहाँ का काम करते हैं ग्रह बहुत ताकतवर तो सीधा लेके चले जाएगा सिंगापुर यूएसए वहीं सेटल हो गई वहीं रह लिए वहाँ प्रॉपर्टीज बना ली तो ये उसका मतलब है सर ओके जब भी कोई काम हम करने जाते हैं तो हम ये कहते हैं ना कि हमारे योग बन रहे हैं हाँ अब मैं स्टूडेंट्स के लिए पूछ रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बाहर जाना है बाहर पढ़ना है या बाहर ही काम करना है वो कौन से योग है योग को मैं लाता हूँ फ्रीक्वेंसी पे हाई जोन एंड लो जोन फ्रीक्वेंसीज होती है हमारा समय चलता है दौड़ चलता है वक्त चलता है अब जिनको विदेश जाना है उनको सबसे पहले ट्वेल्थ हाउस को देखना है दूसरा उनको टेंथ हाउस को देखना है कि करियर कहाँ बन रहा है और उसका बारहवें घर से कोई कनेक्शन है क्या हुँ. अब भाई तुमको विदेश जाना है वहाँ पढ़ाई करना है जॉब करना है तो तुम्हारा टेंथ और ट्वेल्थ बहुत अच्छा है तो तुमने इसमें मेहनत करना चाहिए एफ़र्ट्स डालना चाहिए आपके रिजल्ट्स बहुत कम समय में बहुत हाई राइज हो जाएंगे अगर मान लो आपका ट्वेल्थ खराब है तो आप ज़्यादा माथापच्ची मत करो आप ठीक है प्लान बना लो पर डिपेंडेंसी मत रखो ट्राई करो नहीं हुआ तो दूसरा प्लान बी रेडी होना कई बार बच्चे थोड़े डिप्रेस हो जाते कि मैंने तो सोचा था मैं ये बन जाऊँगा पर तुम्हारे सितारों ने तो कुछ और लिख के रखा है ना तो तुम उस पर डिपेंडेंसी मत रखो hmm. डिप्रेशन आ सकता है डाउन हो सकता है वो थोड़ा सोचने में अब आपकी डेस्टिनी और आपके सितारे कहाँ ले जाएंगे तो उनके हिसाब से फ्लो चलेगा ना राइट तो वो हमको बेसिकली एक, एक गाइडेंस दे देते उसके लिए इस, आप कोई भी काम कर मेरे को तो ना आप समझ आ रहा है आपसे <laughs> बात करके पहले मैं इन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता था <laughs> अब मैथमेटिक्स है इसमें सिस्टम है फार्मूले हैं समझ जाओ तो फिर लॉटरी लग जाती है और आपने देखा है कई बड़े लोग उद्योगपति पॉलिटिशियंस मिनिस्टर्स एस्ट्रोलॉजी के बगैर काम नहीं करते क्यों कुछ तो कारण होगा जिनके पीछे दुनिया घूमती है वो एस्ट्रोलॉजी को क्यों मानते कुछ तो लॉजिक होगा ठीक है जैसा भी आपने बताया कुंडली पहले से ही बनी हुई फिक्स है कुंडली तो फिक्स है हाँ। हम उसके साथ उसके डायग्राम में क्या लिखा हम डिकोड है हम डी करते हैं बट कहीं कुंडली और कर्मा का भी रोल होता है देखिए आपकी कुंडली अच्छी है तो भी आपको कर्म करना है कुंडली कमजोर है तो ज्यादा करना है कर्म मतलब इनपुट मैं इनपुट दूंगा तो मेरे को आउटपुट मिलेगा मैं कुछ नहीं करूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा आपके इसमें राज जो होगा ये अब एक बहुत अच्छा सवाल मैं आपको बताता हूँ हम लोग तो अब बाईस साल से यही काम कर रहे हैं लोग हमको पूछते हैं कि भैया मेरी कुंडली में क्या लिखा है मैं बहुत प्यार से उनको समझाता हूँ कोई पेन लेके नहीं बैठा था वहाँ लिखने के लिए कि क्या <laughs> लिखा है कुंडली में <laughs> कुछ नहीं लिखा है भाई स्टार्स है सिम्बॉलिक लैंग्वेज है सीधा सीधा डिकोड किया जाता है होरोस्कोप इस सेम वर्ल्ड वाइड आप चले जाओ एस्ट्रोलॉजी नहीं बदलेगी चार्ट नहीं बदलेगा पढ़ने वाला बदलेगा जिस व्यक्ति से आप कुंडली रीड करवा रहे हो जिससे आप एडवाइस ले रहे हो उसका नॉलेज कितना है उसकी आई कितनी है उसकी पकड़ कितनी है और उसकी प्रैक्टिस कितनी है वो आपको गाइड करेगा एस्ट्रोलॉजी एक सिम्बोलिक भाषा उसको डी कोड करते कि यार प्रवीण जी का तो ये अच्छा है ये करना चाहिए नंबर वन परम परम जी का नंबर दो पे ये करना चाहिए नंबर तीन आप ऑप्शन ले लोगे परम जी अब ऐसा है कि अगर आप अपने कुंडली के सबसे खराब ग्रह का काम करें ना तो आपको रिजल्ट कम मिलेंगे मेहनत ज्यादा होगी तो योर ग्लोइंग एंटी फ्लो बस ये उसका थीम है तो आप अपने प्लानिट्स को समझिए वो कुछ कहना चाहते आप समझ लो फ्लो में चलो फ्लो में बहोगे एक सिंपल हम गच्छी पे जाते पतंग उड़ाने तो जहाँ है वहीं पतंग उड़ती है ना राइट बस वैसे ही होरोस्कोप है ओके और वास्तुशास्त्र के बेसिक रूल्स कौन से हैं कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं डायरेक्शंस होती है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर है वहाँ पे पानी हो साउथ ईस्ट में आग हो फायर का कहाँ पे प्लेसमेंट होना चाहिए वाटर का कहाँ होना चाहिए जब हमारा घर बनता है तो मास्टर बेडरूम का होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट में डॉटर्स का रूम बनाया जाता है नॉर्थ वेस्ट को ट्रांजिट का जगह बोला जाता है कि भाई डॉटर की शादी जल्दी हो जाए वो चली जाए इस घर से ऐसे कई कॉन्सेप्ट है लेकिन ऑफिस का वास्तु अलग है कमर्शियल बिल्डिंग का अलग है रेसीडेंस का अलग है अगर आपके प्लेसमेंट्स गलत होने चालू चालोगे ना तो एनर्जी फिर मिसमैच होती है प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं हेल्थ भी है वेल्थ भी है रिलेशनशिप भी घर के आपस के लोगों के साथ भी इसीलिए आप नियर बाय चले जाएंगे तो बहुत अच्छा और आजकल आपको मैं बता दूँ एक नई बात जितने बड़े बिल्डर्स हैं वास्तु के हिसाब से नक्शे बन रहे हैं कारण क्या होता है बिल्डर माने या ना माने उसको तो प्लॉट बेचना है फ्लैट बेचना है जो बायर है ना सर वो एक कंसल्टेंट को लेके आता है अब वो रिजेक्ट कर देता है मैं भी कई जगह जाता हूँ कि ये फ़्लैट नहीं लेना दो करोड़ पाँच करोड़ का कितने का भी रही इसमें तो साउथ वेस्ट में टॉयलेट है सर आप तकलीफ़ में आ जाओगे अब कंसल्टेंट जाएगा अपनी गाइडलाइंस उसको देगा एज़ पर दी प्रिंसिपल फॉर्मेट्स अब बिल्डर सोचता है जो आ रहा फ्लैट कैंसिल हो रही है वो कैंसिल हो रहा तो आजकल एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट एट्टी नाइन्टी परसेंट कई लोग बना रहे और नीचे लिखा जाता है एज़ पर वास्तु अव वास्तु कंसल्टेंट हम भी कई बिल्डरों के पैनल पर है वहाँ ब्रूशर में नाम छप जाता है लोगों की नीड है इसलिए डिमांड बढ़ गई और सभी का फायदा ही है और सर आप कैसा भी बनाओ आपका अगर दो हजार तो ही रहेगा ना सिर्फ इधर की चीज उधर हो रही है बहुत सिंपल है अगर हर जगह तो तो को ये बहुत रील्स पे देख रहा हूँ मेरी तरफ बहुत लोग हो जिनको नहीं पता होगा डज मतलब ऐसा होता है बिल्कुल होता है हमारे साथ कुछ नंबर्स चलते हैं जिनको हम एंजल नंबर्स बोलते हैं कोई नंबर हमारे लिए बहुत लकी होते हैं कोई नंबर हमारे लिए बहुत ख़राब होते हैं तो ये हमारी एस्ट्रोलॉजी से हमारे ट्रांजिट से और हमारी दशाओं को स्टडी करने के पता चल जाता है मान लो आपके लिए दो और साथ लकी है आपका शुक्र अच्छा है तो आप दो और साथ को यूज़ करो लेकिन मेरी थेरी ना नंबर पर कम है बहुत सारी रील वीडियो कंटेंट सब नंबर पर जाते हैं मेरे को कई लोग बोलते हैं अभिषेक सोनी अलग बात क्यों करता है अभिषेक सोनी ने नंबर को कम क्यों करना मैं तो नहीं मान रहा मैं तो ऑडियंस को वही बताऊंगा जो मेरे कॉन्सेप्ट में आए सही बात है मेरे को फालतू बातें करना ही नहीं है नंबर आप कहाँ यूज करोगे सर एक बार मोबाइल लोगे एक बार कार लोगे एक बार टू व्हीलर एक बार घर उसके बाद लिमिटेशन से? है हम आते हैं लेटर्स पे लेटर थेरेपी ज़्यादा काम करती कौन सा अक्षर आपने देखा एकता कपूर जी के बगैर काम नहीं करती है बॉलीवुड में और आजकल आज आज एक और वो चल रहा है ना कॉन्सेप्ट की आप अपने नंबर में लाइक डबल अल्फाबेट यूज़ वो रिपेयरिंग रिपेयरिंग है है बैलेंसिंग है मान लो किसी का नाम है अभिषेक उसकी टोटल आ रही खराब तो उसको हम ऐड करते ए बी एच आई डबल कर दो एच डबल कर दो ऐसे बैलेंस करते डबल ए लगा दो तो उससे जो टोटल आती है उसको मैच किया जाता है तो दिस इज़ अ बैलेंसिंग ये भी है क्योंकि आप नाम बदल नहीं सकते आप पच्चीस तीस चालीस साल के हो गए आपका ब्रांड बन गया है आपको लोग उसी नाम से जान रहे हैं तो रिपेयरिंग होती है आप देखना कई बड़े कॉरपोरेट्स में विजिटिंग कार्ड पर ए डबल है के डबल है आखिरी में सर में क्या डाई बैलेंसिंग है बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन हम पहले ही अच्छा नाम रख लें तो ये भी तो कॉन्सेप्ट है तो क्या वो उस हेल्थ को बजट पर बैलेंस कर बिल्कुल बैलेंस कर? करता है नंबर्स जो आपको दे रहा लकी नंबर वो बहुत दे रहा है अब कई बार हमें शेयर मार्केट वाले बहुत कॉल्स करते हैं तो उनको हम एक नियर बाय वो बता देते हैं कि तुम्हारा टू और सेवन अच्छा है तो ये शेयर सत्ताईस रुपये में खरीद लो दो सौ सत्तर का लौट लो सत्तावीस सौ लो सत्तावीस हज़ार लो तो यू कैन मैच नियर बाय नंबर्स जब आप टेंडर में बिडिंग में वहाँ आप कर सकते हो शेयर मार्केट में आप ज़्यादा नंबर यूज़ कर सकते हो मोबाइल में घर में कार में तो एक बार ही करोगे तो सर लेटर काम करता है सबसे ज्यादा क्योंकि कल आपकी किसी से मीटिंग है और मान लो के लेटर आपको फायदे का नहीं दे रहा है तो आप अवॉइड करो वो के आपको कहाँ लंबा नुकसान दे देगा आप सोच भी नहीं सकते तो जो लेटर्स होते हैं कैसे राशियों के हिसाब से राशियों से निकलते हैं होरोस्कोप से निकलते हैं प्लेसमेंट से निकलते हैं बेसिक कुछ नंबर्स हैं जो आप शेयर कर सकते हो लाइक बेसिक कुछ लेटर्स हैं जो आप शेयर कर सकते हो पर्सन टू परसन वेरी करता है ओके जैसे आपकी कुंडली देख के मैं बता सकता हूँ आपके लिए दो और सात नंबर अच्छा रहेगा ओके नौ नंबर अच्छा रहेगा और दस नंबर अच्छा रहेगा कॉम्बिनेशन नंबर कौन से हैं जनरली कॉम्बिनेशन में दो और सात मतलब फिर कहीं दो आएगा कहीं ट्वेंटी सेवन आएगा कहीं सेवेंटी टू आएगा कहीं टू सेवेंटी टू आएगा आपने देखा बड़े बड़े नेताओं की गाड़ियों के नंबर क्या रहते हैं डबल वन डबल वन डबल ये कहाँ से आते हैं आर ने तो रेट रख दिया पहले तो नंबर मिल जाते हुँ, हुँ. थे आजकल रेट है पाँच लाख तीन लाख एक लाख वी नंबर क्यों बिक रहे ट्रेंड बढ़ गया है लोग गाड़ी लेते हैं पचास लाख एक करोड़ की तो दो लाख का नंबर भी ले रहे हैं तो हमें नंबर के लिए फ़ोन आते हैं कि बताओ अभिषेक कि क्या नंबर लेना है आप किसी का सूर्य अच्छा आपका सूर्य अच्छा था आप फाइव की सीरीज़ चलाओ पाँच, पाँच 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 तीन पंजे दो पंजे सिंगल पंजा कई लोग वन 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 चलाते हैं गडकरी साहब की गाड़ियाँ आप देखना ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन गडकरी जी का जो जर्थ डेट है वो सत्तावीस है oh yeah. तो हर चीज़ उनकी ट्वेंटी सेवन होती है कोई सिक्स चलाता है एक हमारे बहुत बड़े बिजनेसमैन है बॉम्बे के वो सिक्स सिक्स चलाते हैं डबल सिक्स ट्रिपल सिक्स फोर सिक्स तो जो ग्रह अच्छा है जो प्लानट आपका अच्छा है वो आप उसको लेंगे सिक्स नंबर आपका अच्छा रहेगा तो आप सिक्स यूज़ करो ओके okay. अगर मान लो कोई ग्रह आपका ख़राब है मंगल खराब है तो मैं बोलूँगा एक और आठ को थोड़ा छोड़ दो कि भाई अठारह नंबर गाड़ी मतलब एटी वन मत लो अठारह अठारह मत फ्लैट मतलब अठारह का अब आप बोलोगे क्यों मतलब अरे कल प्रॉब्लम आ गई तो कौन जवाबदार रहेगा छोड़ दो ना गाड़ी ठूक सकती है चोरी हो सकती है कुछ भी हो सकता है ना तो निगेटिव एनर्जी का जा क्यों रहे हो okay. किसी को शौक है तो वो जा सकता है अच्छा ऐसे कुछ स्पेसिफिक नंबर है जिनको नेगेटिविटी ज़्यादा वो करती है इम्पैक्ट करती है एक और आठ में निगेटिविटी जल्दी आ जाती है मंगल के अक्षर है ये okay. ओके थोड़ा निगेटिव हो जाती है दो और सात तो लग्जरी शुक्र है तीन और छः में फाइनेंस है इंटेलिजेंस है और मूवमेंट है बुद्ध है ये और जो नौ और बारह है ये बहुत स्पिरिचुअल नंबर इनके मालिक गुरु हैं एकदम शांत स्पिरिचुअल जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है मून साइन आप जब से पूछ रहे थे ना तो मून साइन का लेटर है चार चंद्रमा सबसे तेज घूमने वाला ग्रह सबसे रोमांटिक ग्रह सबसे इमोशनल ग्रह और पाँच नंबर सूर्य का जो लोग राजनीति में हैं पॉलिटिशियंस हैं बनना चाहते हैं आमदार है खासदार है नगर सेवक हैं या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी पार्टी से जुड़े इनका इनका सूर्य बहुत अच्छा था इनको सरकार और सरकारी कामों में ज़्यादा रुचि होती है जितने बड़े आई एस आई पी एस ऑफिसर्स होते हैं तो आई ए एस ऑफ़िस की कुंडली में अधिकांश सूर्य बुद्ध की लॉबी होती है टेंथ हाउस में सूर्य बहुत अच्छा होता है तो वो बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं कई बच्चे पूछते हैं मैं ये बनूंगा क्या वो बनूंगा क्या मैं बोलता यार सूर्य ख़राब है एग्ज़ाम दे दो तो, लेकिन डिपेंडेंसी मत रखो आई में क्या होता है मंगल बहुत अच्छा होता है तो आदमी डेरिंग वाला काम करता है तो एजेंसीज में जाता है पुलिस में है मिलिट्री में है सी बी आई में ई डी में है ये सब एजेंसी वाले ग्रह अलग है राहु मंगल मंगल दसवा मंगल तो आदमी को विवादित काम करना पसंद एक वकील की है जी सर कार्मिक एज और कार्मिक नंबर सर इसके लिए भी आपको होरोस्कोपी देखना पड़ेगा नहीं मैं बेसिक थ्योरी पूछ रहा हूँ बेसिक थ्योरी बताता दो जब आपके चार्ट को डिटेल स्टडी किया जाता तो पता चलता है इसका कार्मिक नंबर दो और साथ है और ग्रहों की मैच्योरिटी रहती है जैसे सूर्य चंद्र मंगल किसी का राहु बहुत अच्छा है तो उसको 42 में रिजल्ट मिलेंगे किसी का चंद्रमा अच्छा है तो 24 साल से मिलेंगे इसका शुक्र अच्छा है 25 साल से मिलेंगे इसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ प्लानट कौन से एज से आदमी स्पीड में आएगा आपने देखा कई बड़े बड़े लोग चालीस साल तक कुछ नहीं रहते हैं hmm. से लॉटरी लगती है कई लोग पचास तक जीरो रहते हैं पचास के बाद लॉटरी लगती है यह रहता है एक्टिवेशन KFC के के ओनर का देखा था आप कभी आपने बिल्कुल देखा था हाँ। वो तो एग्जाम्पल है लोगों को बताने के लिए हमारे देश में कई नेता है जो एक लेवल तक कुछ नहीं थे बाद में जो रॉकेट लगा है तो वो एक्टिवेशन हो जाता है तो उस पर ध्यान रखना है आपका नंबर और आपका एज आपको मालूम हो जाता है आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं दूसरा होता है सर दशा कौन सा प्लान रूल कर रहा है रूलिंग प्लान रूलिंग प्लानिट हाँ ओके अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है वो वाला काम कर लो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी पूरा खेल है आपको डायग्राम के हिसाब से चलना है आप प्लानट को रबर से नहीं मिटा सकते आप बोलोगे इसको इधर कर दो ऐसा नहीं होता अपने आप को चेंज कर लो गो विद द फ्लो ओके ट्रांजिट ऑफ प्लान जब चेंज होते मूवमेंट होती है वो क्या है और क्या इससे इम्पैक्ट आता बहुत है बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ये एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा कोर सब्जेक्ट है जो बहुत कम लोग इसको जानते हैं ग्रह गोचर आसमान में घूमने वाले ग्रह हमारी जन्म कुंडली तो फिक्स है जिस दिन हम पैदा हो गए हमारी कुंडली बन गई आसमान में जो ग्रह घूम रहे हैं रोज घूम रहे हैं चंद्रमा यहाँ है, आए कल चंद्रमा वहाँ आए मंगल घूम रहा है अलग अलग राशियों में भ्रमण कर रहे हैं अब ये देखा जाता है कि आपका चंद्रमा तीसरे घर में कुंडली में और आसमान का चंद्रमा तीसरे घर में कब आएगा वो ढाई दिन आप एकदम ताकत में आ जाएंगे उसको बोलते हैं हाई जोन hmm. गोचर का फायदा इसलिए लेते कई बड़े बिजनेसमैन हमारी अपनी मीटिंग्स उनकी गोचर के हिसाब से फाइनल करते तो हमारा तो डे टू डे रूटीन ही वही है बोलते अभिषेक मुझे हाई जोन दो इस हफ्ते के तीन पंद्रह दिन में चार दिन दो जहाँ मेरी वी मीटिंग है यहाँ तक कि ये लोग व्हाट्सअप कब करना है कोई बहुत बड़ा काम है तो उसके लिए भी एस्ट्रोलॉजी देखते हैं कि यार सी एम साहब से बात करना मेरे को एक हाई जोन दो हाई जोन का मतलब होता है आपका अच्छा समय आपका दौर अब आप उसको एनकैश कर लो सर या पी में मूवी देख लो आपकी मर्जी टाइम आपका है राजयोग है तो एनकैश कर लो हाँ ख़राब समय भी तो आता है ना उस समय पेंडिंग काम कर लो बैकएंड के काम कर लो फैमिली है दोस्त है घर है उनको भी तो समय देना है ना तो हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि भाई अच्छा समय है तो बड़े बड़े काम कर लो डाउन और मीडियम समय है तो पेंडिंग काम कर लो. अब खराब में तो कुछ होना जाना है नहीं। और आप क्या बोल रहे गोल्डन पीरियड में मैं जा रहा हूँ जंगल जिम कॉर्बेट आपकी मर्जी कोई <laughs> मतलब नहीं वेस्टेज ऑफ गोल्डन टाइम राजयोग जैसे अभी आपने बताया राजयोग राजयोग किसकी कुंडली में होता है लाइक मतलब? राजयोग बहुत लोगों की कुंडली में होता है कैसे पता, पता ही नहीं रखता स्टडी रीड करना पड़ता है और उसको इसको थोड़ा सा इसकी थ्योरी बिल्कुल जब हमारी कुंडली बनती तो हम उसको रीड करते हैं किसी के इसमें या राजयोग है कि भाई चंद्र मंगल नाम का एक राजयोग है इसको प्लेंटी ऑफ वेल्थ का कॉम्बिनेशन बोलते हैं ऐसे लोग बहुत पैसा भी कमाते हैं और कम समय में अच्छी इनकम कर लेते हैं अब आपको मालूम है चंद्रमंगल है तो फिर आपको डायरेक्शन देखना की कौन से घर में बन रहा है कौन से राशि में बन रहा है और मंगल और चंद्रमा के नक्षत्र क्या है इसका कॉम्बिनेशन अगर बन गया तो इसके नियर बाय काम आप करने जाएंगे ना आपकी तो स्पीड बढ़ जाएगी राजयोग को हम स्पेशल योगा करके एक डेफ़िनेशन देते हैं आपके अंदर कोई ख़ूबी है उसको आपको समझना है और उसको यूटिलाइज करना है आप कोई फ़ीमेल है बहुत अच्छा खाना बना सकती है पर उसको बनाना ही नहीं है चाहे तो वो बहुत अच्छा लाइव किचन चला सकती है यूट्यूब पर फूड चैनल चला सकती है और शौक के लिए भी कर सकती है फेम के लिए भी कर सकती है पैसे के लिए भी कर सकती है ठीक है क्योंकि जब चीज़ सूट हो रही है तो आपको नाम भी देगा पैसा भी देगा और ब्रांड भी बना देगा लेकिन आपको मालूम ही नहीं, नहीं है आप बैठे हैं आप जा रहे एग्जाम दे रहे एग्जाम दे रहे फेल हो रहे बार बार रिजल्ट नहीं आ रहा नंबर नहीं लग रहा डिप्रेशन में आ गए इधर जा रहे थे जहाँ कुछ नहीं मिलना और इधर है अपने पास पूरी दुनिया बस आपको ये डिसाइड करना है कि जाना कहाँ है कब जाना है कहाँ जाना है और क्या करना है ये आपको एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है गाइड करती है बशर्ते रीडर बहुत तगड़ा हो एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं बदलेगी आपको डी कोड करना आना चाहिए वॉट हैपन जब बा, बा, शुक्र और मंगल आपके हाउस में यानी कुंडली में विपरीत हो जाते हैं क्या होता है उस कुंडली में दो प्रकार की चीजें एक होता है शुक्र मंगल का एक साथ होना एक होता है शुक्र मंगल का अलग अलग घर में होना शुक्र मंगल जब एक साथ एक घर में होता है तो ऐसा आदमी बहुत लेविश लग्जरी लाइफस्टाइल शौकीन खाना पीना घूमना फीमेल अट्रैक्शन भी बहुत हो जाता है लव अफेयर्स भी इनके बहुत हो जाते हैं तो शुक्र और मंगल एकदम फॉर्म में चलते हैं तो ऐसा आदमी अपनी मस्ती में ज़िंदगी जीता उसको कोई मतलब नहीं किसी से तो लग्जरी उसके लिए सबसे पहले होती है मतलब वो बोलता भैया खाओ पियो मस्त रहो लग्जरी करो घूमो लाइफ का एंगल वैसा हो जाता है शुक्र जब ख़राब होता है तो वो कितने भी पैसे कमाए कपड़े अच्छे नहीं पहनेगा गाड़ी बड़ी नहीं लेगा लग्जरी से दूर हो जाता है वो कैसे भी रह लेगा कैसे भी कर लेगा उसको कोई लेना देना नहीं होता लाइफ से भले वो बिजनेस है पैसे वाला सब कुछ है लग्जरी का टच नहीं उसके अंदर ऐसे कई लोग हैं बड़े बड़े लोग हैं एक हमारे बहुत बड़े बिल्डर हैं कोई भी गाड़ी ले लेते हैं मिलना सर आप तो कुछ भी ले सकते बोले किसको दिखाना है कहाँ जाना है ठीक है भाई लो प्रोफाइल रहते हैं कई ऐसे हैं कि सर ई भी नहीं भर सकते मर्सडीज की पर होना गाड़ी तो मर्सडीज होना बी एम डब्ल्यू होना जाएंगे तो क्लब में ही शुक्र मजबूत है पैसे कम है पर लग्जरी भरी है बहुत भरी है जम के भाई मैं तो ये करूँगा मैं वो करूँगा और शौक से जीता है तो आप कभी इसको पैसे से नहीं जोड़ सकते शुक्र अच्छा रहा तो उसको लग्जरी कराते रहता है शुक्र खराब रहा तो करना ही नहीं चाहता बंदा ही नहीं करना चाहता okay. अब जिसका शुक्र खराब है उसको आप बोलोगे कि शुक्र वाले बिजनेस में जाओ उस प्रोडक्ट में जाओ तो फेल हो जाएगा वो ये थे हमारी एस्ट्रोलॉजी की okay. ओके और वो, वो विद द okay. फ्लो ओके okay. और वो कौन से हाउसेज है जहाँ पे मनी को टारगेट किया जाता है सेकेंड हाउस है कुंडली में वेल्थ हाउस बोलते हैं इसको एलेवेंथ हाउस है हाउस ऑफ इनकम इन दोनों घरों के मालिक अगर इंटरचेंज करते हैं एक साथ बैठते हैं या राजयोग बनाते हैं तो प्लेंटी ऑफ वेल्थ में आदमी खेलता है और ऐसे कई लोग हैं मैंने कल दिल्ली में एक बहुत बड़े पर्सन की कुंडली देखा बहुत बड़े नीच भंग राजयोग था स्पेशल कैटेगरी का राजयोग भंग नीच भंग राजयोग नी... शुक्र और बुध एक साथ और महादशा लगी दो है पंद्रह से बीस करोड़ की गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी थी बारह तेरह गाड़ियाँ थी काफी बड़ा काम है मीडिया लाइन से लेकिन एकदम ग्रह दशा जो है शुक्र बुध नीच भंग राजयोग होता है सर विपरीत राजयोग होता है तो प्लेंटी ऑफ वेल्थ का कॉम्बिनेशन है तो कहीं ना कहीं से लिंक जुड़ के आपको एक लेवल पे ले जाता है बशरते आप एम्बिशियस होना आपका एम होना आपका विजन होना आपको मेहनत करना और खूब कर्म करना है ऑटोमेटिक राजयोग काम नहीं करते लोगों को भ्रम है यूट्यूब hmm. पे सबसे बड़ा भ्रम यही चल रहा है मेरे उंगली में राजयोग है मैं ये कर लूंगा कुछ नहीं होना जीरो बैठे बैठे कुछ होता है सर हाँ सही बात है कोई नहीं कुछ नहीं होता है अभी अपन यहाँ पॉडकास्ट बना रहे हैं मेहनत कर रहे तब जाके जाएगा ना hmm. तो दे, वेन देर इज नो इनपुट नो आउटपुट तो ये जो हमारे बच्चे इनको बताना चाहूँगा ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है हाँ राजयोग में स्पीड बहुत जल्दी मिलती है भाई पांचवा गियर लगता है पर लगो स्पीड में आ जाओ काम में लग जाओ और जिसकी कुंडली में राजयोग नहीं है क्या वो बना सकता है हाँ उसके लिए अपने को एस्ट्रोलॉजी में ये देखना पड़ेगा कि इसके पास सेकेंड ऑप्शन क्या है चलो राजयोग नहीं है तो कुछ और तो है इसके अंदर हर जगह कुछ ना कुछ होता है सर फाइंड आउट करने की बात है जो भी अच्छा है उसको पकड़ के आगे चले जाओ वीनस और मार्स का शादी में कोई रोल रहता है हाँ बहुत बड़ा रोल रहता है शुक्र और मंगल ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है और प्यार भी यही करवाता है शुक्र मंगल वाले लव मैरिज ज़्यादा करते हैं इनको लव बहुत जल्दी हो जाता है और ये बहुत रोमांटिक नेचर के होते हैं अब यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट अभी देखने में आया मेरे को पाँच सात सालों में इतने सारी कुंडलियों में जो प्रॉब्लम्स आई उसका बहुत बड़ा कारण शुक्र और मंगल है इसमें क्या होता है दो विपरीत लोग एक जगह जमा हो जाते हैं लोग कुंडली उंडली मिला लेते हैं बावीस गुण मिल गए पच्चीस गुण मिल गए फिर आ जाते हैं शादी हो जाती है एक डेढ़ साल दो साल बाद तो प्रॉब्लम्स चालू होते हैं मैं बोलता हूँ कुंडली मिलाने पर ध्यान मत दो इसमें एक और पॉइंट मैं आपको बताऊँगा मंगलिक मंगल के चक्कर में रिश्ते छोड़ देते थोड़ी देर बाद बात करेंगे शुक्र मंगल में क्या होता है अगर लड़का का शुक्र अच्छा है लड़की का भी शुक्र अच्छा है तो कंपेटिवलिटी अच्छी रहेगी अब लड़का खा रहा पी रहा घूम रहा मस्ती पार्टीज़ गरबे में जा रहा है इवेंट में जा रहा हो लड़की बोल रही मैं तो नहीं जाऊंगी मैं तो नौ बजे सो जाऊंगी मेरे को मॉर्निंग वॉक करना है चार बजे उठूँगी तो यहाँ पे तालमेल बिगड़ जाएगा लाइक माइंडेड पीपल नहीं गुरु प्रधान लोग अलग है शुक्र प्रधान लोग अलग है तो ये पार्टी पीपल है ये घूमने फिरने वाले और ये सिंपल सोबर है दोनों अपनी जगह सही है किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं पर भाई तुम अपने वाले ग्रुप में आ जाओ तुम अपने ग्रुप में हो जाओ जैसे कंप्यूटर में होता ना पी एक हो गया एक्सल एक हो गया वैसे अपने अपने लोगों को पकड़ो शुक्र और अंटी शुक्र की जिंदगी में नहीं बनती यही लोग झगड़े करते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शुक्र जिनका खराब होता है उनके साथ रह नहीं सकते और मांगलिक वाला क्या बताते मांगलिक का ऐसा है कि जब भी शादी की बात आती कुंडली मिलान की बात आती सबसे पहले लोग पढ़ जाते लड़का मांगलिक है लड़की नहीं है रिश्ता ख़त्म हमको नहीं करना है मैं उनको समझाता भाई मिलो तो सही जाओ तो सही और मंगल के चक्कर में रिश्ते मत छोड़ो अच्छे अच्छे मंगल दोष कट भी जाता है मंगल दोष अट्ठावीस साल के बाद दस परसेंट आ जाता है उसकी रेमिडीज़ है आप फूड चैरिटी कर दो ट्यूज़डे को आप मंगलवार को पूजा कर लो मंगल ग्रह की आप मंगलवार के दिन कुछ और हेल्प कर दो किसी की ठीक है तो उसको अपन कम कर सकते हैं ना और कई ऐसे प्लेसमेंट है जैसे एक केस में मंगल और दूसरे के में राहु शनि और केतु तो न्यूट्रल हो जाता है कई बार मंगल जीरो डिग्री का दो डिग्री का उसका कोई दम नहीं है मतलब मंगलिक है पर बहुत लो नो नो उसका इशू डिग्री का यूज किया से तीस डिग्री ग्रहों की होती है सर बहुत डीप जोन में हम जा रहे हैं कितने डिग्री का ग्रह है मतलब कितना बलशाली कितनी ताकत है मंगलिक है पर तीन डिग्री का तो मैं बोलता बिंदा शादी करो कुछ नहीं होगा उपाय उपाय कर लो दूसरा मंगल के चक्कर में जब रिश्ते ख़राब हो जाते हैं तो अच्छे अच्छे प्रपोजल्स चले जाते हैं लोग को भ्रम है दो ही चीज़ पूछते हैं साढ़े सात और मंगल अरे भाई और भी चीज़ें और स्कोप में और सौ चीज़ें जिनको तुम जानते ही नहीं हो दो पे ही अटके हैं मंगल मंगल करके रिश्ते चले जाते बाद में बत्तीस बत्तीस साल तक शादी नहीं होती है तो ये सबको बंद करके अपडेट लाओ कि भाई सोल्यूशन क्या है क्या अभिषेक सुनी सोल्यूशन बताओ हमारे पास बंदा क्यों आ रहा है उसको प्रॉब्लम है सोल्यूशन होना राइट बिल्कुल सही बात है ना नहीं तो मेरा क्या रोल है मेरा कोई रोल ही नहीं है आप आए कि भाई ये लड़की है अच्छा सर जो प्यार करते हो कोई मंगल को देख के प्यार करता है ये प्यार की शुरुआत होती है सीसीडी में के के साथ <laughs> और प्यार का अंत होता है एस्ट्रोलॉजर ऑफिस में मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर हो आप <laughs> पूरे आई <IT> के बच्चे <laughs> को बताते यूथ को <laughs> बताते दूसरा सबसे ज्यादा सवाल ऐसे अभी आप हंसेंगे मैं बोलूंगा तो ब्लॉक और अनब्लॉक के सवाल चल रहे हैं सबसे ज्यादा रिलेशनशिप पे सबसे ज्यादा आप बोलोगे ऐसा कैसे होता है और सबसे ज्यादा फोन लड़कियों के बंदे ने मेरे को ब्लॉक कर दिया एक लड़की है बहुत बड़े कंपनी में बड़े पोस्ट पर आईटी में बोला अभिषेक सर उसने तो व्हाट्सअप पे ब्लॉक कर दिया फेसबुक पे भी कर दिया इंस्टा पे सभी जगह ब्लॉक कर दिया इतने झगड़े कि ऑनलाइन में झगड़े हो रहे हैं प्यार भी ऑनलाइन में हो रहा है चैट चूट कर रहे हैं समय ख़राब आता है तो बेचारा ब्लॉक हो जाता है समय अच्छा आता है तो सब अच्छा चलता है तो हमें तो ये देखना कि भाई अच्छा समय तो उसका इनकेश कर लो और लाइक माइंडेड पीपल के साथ जाओ शादी होती सब लोग जमा होते खुशी होती और बाद में आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो सेंसनी से अच्छा मत करो सोच समझ के डिसीजन लो लाइक माइंडेड पीपल के साथ ही जमेगा और ब्लॉक अनब्लॉक में तो ऐसा है टेम्प्रेरी समय खराब है भाई एक महीने के लिए ब्लॉक कर दिया जान दो फिर खोल देगा पंद्रह दिन में डिसीजन मत ले लो मंगल को हम हाईलाइट करते हैं कि मंगल खराब है या सनी हाँ। खराब है या सनी की साढ़े साथ ही आ वो खराब मंगल है। खराब है ठीक है हाँ। लेकिन उसके सॉल्यूशन भी तो है ना नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ क्या इनके अलावा भी कुछ और होता है इनके अलावा 98 और चीजें जिनको लोगों को पता ही नहीं कोई ऐसी दो तीन चीजें पांच बताऊंगा ऑडियंस को पांच विपरीत विपरीत फाइव स्टार कैटेगरी का राज्य होता है तीन छे आठ बारह हाउसेस के मालिक अगर इंटरचेंज करते हैं तो उसको विपरीत राज्योग बोलते हैं वी आर वाई ये बहुत हाई कैटेगरी का राज्य होता है राजयोग होता है बड़े बड़े नेता मंत्री और बिजनेसमैन मैन के कुंडली में पाया जाता है आपके कुंडली में तो देख लो कोई आपकी लॉटरी ना लग जाए सेकंड होता है नीच भंग राजयोग जैसे कोई ग्रह नीच बुद्ध ग्रह नीच राशि में बैठा और वहाँ पे उसी राशि का उच्च का मालिक शुक्र वहाँ आके बैठ जाए तो उसको बोलते हैं नीच भंग तो उसकी नीचता को भंग करता है मतलब अपनी शादी भाषा में बहुत फाइव स्टार कैटेगरी का राजयोग जो आपको आगे बढ़ाएगा चंद्र मंगल राजयोग है फिर टेंथ हाउस है टेंथ हाउस में सुपर प्लान का बैठना है फिर युतियाँ हैं कि चंद्र मंगल गुरु एक साथ राहु शुक्र एक साथ शुक्र बुध एक साथ शुक्र शनि राहु अथाह प्लेटी ऑफ वेल्थ का कॉम्बिनेशन अरबपति की कुंडली में रहते बड़े बड़े कॉरपोरेट्स उद्योगपति बिजनेसमैन इन सब चीजों को भी तो देखो ना कहाँ क्यों हम लोग मंगल और साढ़े सात ही मटके बस वही जेम पहन लिया एस्ट्रोलॉजी देख लिया ऐसा नहीं होता है आपको अपने डायग्राम को समझना है स्टोन पहनना तो वैल्यू एडेड सर्विस है बात की बात है पहले ये तो समझो फ्लो कहाँ जा रहा है Hmm. एक सिंपल उदाहरण मैं अपने युद्ध बच्चों को देना चाहूंगा आपने देखा जब हम कभी फार्मिंग की बात करते खेती की बात करते तो सॉइल टेस्टिंग डिपार्टमेंट होता है वो टेस्ट करके बताता है कि ये ज़मीन में सबसे बेहतर क्या उगेगा भाई अदरक उगेगा जैसा आप बोलोगे मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ मैं सौ करोड़ का मैं यहाँ फूल उगा दूंगा तो आप नेचर के आगे नहीं जा सकते फूल नहीं उगेंगे समय खराब पैसे खराब फूल भी खराब ज़मीन भी खराब तो जो हो रहा है उसको करो ना एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे नंबर वन है अच्छा इसमें यह भी नहीं हम बोल रहे हैं कि मेरी सुन लो और मैंने जो बोला कर लो नहीं, नहीं। हम आपको तीन चॉइस देंगे कि भाई आपका बुद्ध अच्छा सी ए बन जाओ आप बोलोगे नहीं बनना है मेरी मर्जी पॉइंट टू यार राहू बहुत अच्छा आई में चले जाओ और तीसरे नंबर पर मंगल बहुत अच्छा तुम ये वाली एजेंसीज और एनी इलेक्ट्रॉनिक केमिकल में जाओ तो आप बोलोगे यार मेरे को ना आई का काम जम गया फिर आई में मैं ए में जाऊँगा आपके पास चॉइसेस है सर नहीं नब्बे परसेंट तो अस्सी पर आओ नहीं अस्सी तो पचहत्तर पे आओ पर दस बीस परसेंट वाले प्लान का तो काम मत करो करियर समय कभी लौट के नहीं आएगा पैसा लग जाएगा माँ बाप चिंता में अपन चिंता में आने का करियर सेट नहीं हो रहा है तो ये हो रहा है अभी बच्चों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कुछ भी कर रहे हैं बाद में बोलते हमें नहीं करना है जॉब्स नहीं मिल रही क्योंकि वो फ्लो में काम नहीं कर रहे जो जिसके लिए बना वो कर ले नियर बाय कर लो यार नहीं पूरा तो थोड़ा आस चले जाओ तो फायदा होगा ओके अच्छा ये वाला टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है मतलब ये ये टॉपिक नहीं सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूँ अभी जैसे बाहर बात कर रहे थे बैठ के भूत प्रेतों की <laughs> 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 क्या क्या आप मानते हो इन चीज़ों को देखिए मिस्ट्री है ओकल्ट साइंस है मैं तो उसी लाइन से हूँ तो मैं डिनाई तो कभी नहीं करूंगा कि नहीं है लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ मैं हॉबी से इस लाइन में आया हूँ बाईस तेईस साल से यही काम कर रहा हूँ कई लोग मेरे कॉन्सेप्ट से चिड़ते हैं उनको नहीं जमती मेरी कॉन्सेप्ट लेकिन मैं तो वही करूँगा जो मेरे को पट रहा है भूत प्रेत में ऐसा है कि सब लोग बोलते हैं भूत है प्रेत है आत्मा है कौन सौ वीडियो यूट्यूब पे भी वायरल है इसके शरीर में भूत आ गया उसके शरीर में आ गया मैं नहीं मानता मेरे हिसाब से कुछ नहीं है हाँ दस परसेंट ओकल्ट है मिस्ट्री है निगेटिव एनर्जीज़ है आठ पिक्चर में बताते हैं कोई राजस्थान में बंगले हैं सब है लेकिन आप बताओ सब जगह सी कैमरा लगा है आप मेरे को कोई वीडियो दिखाओ जिसमें भूत कैप्चर हुआ है तीस बीस सालों में बट नॉर्मल कैमरे में तो कैप्चर ही नहीं कर पाते ना ऐसा बोला जाता है तो कहीं तो दिखेगा अच्छे कैमरे में दिखेगा दूसरा ठंडी सबको लगती है बुखार सबको आता है रिक्शे वाले से लेकर गरीब और आई अधिकारी से मंत्री ठीक है तो फिर भूत सबको क्यों नहीं लगता है भूत की कोई जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है भूत को कोई रोक नहीं सकता कोई पुलिस कोई प्रेस कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना सीबीआई बी आई ना ई डी तो भूत है भाई कोई नहीं रोकेगा उसको वो यहाँ से गायब होगा लंदन में प्रकट हो जाएगा वो मकाऊ जाएगा वो लॉस वेगा तो भूत की भी कोई जिंदगी है ना लग्जरी करेगा ना सही बात तो ये भूत बड़े आदमी के आगे में क्यों नहीं आता आई ए एस आई पी एस नेता मुख्यमंत्री सी एम कोई भी कहीं का भी कोई भी बड़ा आदमी हिंदुस्तान का ले लो आप उद्योगपति ले लो क्यों नहीं आता भूत को कौन रख सकता है वहाँ जाने के लिए अब भूत गांव खेड़े में क्यों जाता है चूना मांगता है मुझे भूत की कोई लेवल लेवल है कि नहीं है सही बात है अच्छा चलिए सर दस हजार भूत होंगे तो बीस भूत तो बड़े विजन वाले होंगे आप और मैं भूत बने तो मैं तो बोलूंगा सर लंडन चलो लंडन दुबई दो करोड़ की गाड़ी चलाई <laughs> है, की है, है। का कोई वजूद ही नहीं है तो अभिषेक सोनी सर से जाते जाते लास्ट सवाल एक बार हम पूछ लेते हैं एक टिप्स देते जाओ हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए तो बहुत अच्छी टिप है कि आप दोनों पार्टनर अपने पार्टनर्स की केयर करिए एक बार अपनी कुंडली देख लीजिए कंपैटिबिलिटी देख लीजिए जो हमारी कमियां होती है जो हमारे ख़राब ग्रह होते हैं उसमें अवेयरनेस रखिए छोटे छोटे उपाय करिए और अगर कभी कोई समय ख़राब आता है छोटे मोटे दिनों के लिए तो उसमें कोई बड़े डिसीजन ना ले अगर अच्छा समय है तो ख़राब समय भी और अगर उसकी स्टार्टिंग डेट है तो उसकी एंडिंग डेट भी है मान लो आपका एक महीना खराब है वाद विवाद बढ़ रहे हैं तो आप घूमने चले जाओ थोड़ा अलग हो जाओ अपने आप को टाइम दे दो लेकिन उस समय डिसीजन नहीं लेना ख़राब समय में लिया हुआ डिसीजन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ही रहेगा आप ये इंतज़ार करो कि भाई एक महीने बाद तो अच्छा समय आ ही रहा है ये मैं अपने ऑडियंस को कहना चाहूँगा मतलब टाइम खराब है तो उसकी भी एंडिंग डेट है बढ़िया सर और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके जितने ब्लंटली आप बोलते हो तो ऐसे ही पसंद है मेरे को मतलब इधर उधर की बात, तो बात, बात, बात हाँ। लगो गोल गोल लगो सीधा सीधे हाँ सीधे मुद्दे की बात और बाकी अगर कोई ऑडियंस को कोई भी सवाल होगा तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में सर की सारे डिटेल मिल जाएगी अभी से एक सोनी सर का नाम है तो जाके इनसे जितने सवाल पूछ सकते हो ना जितने अपने डाउट क्लियर कर सकते हो करना ठीक है सर थैंक यू और लास्ट में जाते जाते कि अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए पार्ट टू डाल देना और सवाल भी दे देना सवाल भी दे देना हम बिल्कुल नए टॉपिक के साथ आएंगे और ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आप लोगों ने सुनी भी नहीं होगी डन सर अभी तक लोगों ने दो पर्सेंट की एस्ट्रोलॉजी सुनी है जिसको हम बोलते हैं बाहर से जंगल देखना हम आपको बफर जोन और कोर जोन दिखाएंगे एस्ट्रोलॉजी का परफेक्ट डन सर थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू